योगी सरकार ने देर रात 14 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। हालांकि अधिकारियों के तबादले की खबर आम है, लेकिन इस बार एक अधिकारी के तबादले पर सियासत शुरू हो गई। दरअसल इन 14 आईपीएस अधिकारियों में प्रयागराज के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज का भी नाम है, जिन्होंने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हुए फर्जीवाड़े का खुलासा किया। उन्हें सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को हटाकर डाल दिया गया है और उनकी जगह अभिषेक दीक्षित को प्रयागराज का नया एसएसपी बनाया गया। योगी सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सत्यार्थ अनिरुद्ध को हटाए जाने पर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रयागराज के एसएसपी का ट्वीट देखकर आश्चर्य हुआ। जिस समय उन्होंने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया, उनके जाने से जांच का नुकसान न हो। वजह जो भी है, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं। वहीं सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन जिस अधिकारी ने शिक्षक भर्ती घोटाले को खोला उसे ही हटा दिया गया। योगी सरकार बात पारदर्शिता की करती है, लेकिन हकीकत में वो है भ्रष्टाचारियों की हिमायती। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला खोलने वाले प्रयागराज के कप्तान व उनकी टीम के दूसरे पुलिस अधिकारियों को योगी सरकार रात में हटा देती है। जब एसटीएफ और पुलिस उनके मंत्रियों के करीब पहुंच रही थी, उनके बड़े अधिकारियों के करीब जांच पहुंच रही थी, तब उनको हटा करके ये एक मैसेज दिया गया है कि भ्रष्टाचारियों पर जो भी हाथ डालेगा उसको पदमुक्त कर दिया जाएगा। तो ये तो साफ है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली हकीकत पर योगी सरकार चल रही है। जो भी उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा या उनके भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, उसके खिलाफ या एफआईआर हो जाएगी या वो पदमुक्त हो जाएगा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने भी प्रयागराज एसएसपी को हटाए जाने पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार इस घोटाले में शामिल लोगों को बचाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, लेकिन यह सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रयागराज के एसएसपी को हटाया गया सिर्फ इसलिए हटाया गया क्योंकि 69,000 शिक्षकों के मामले की जो भर्ती घोटाला था वो उसकी जांच कर रहे थे। यह इस बात का प्रमाण है कि यह सरकार की नीयत ठीक नहीं है। योगी सरकार बड़े लोगों को, इस घोटाले में शामिल बड़े लोगों को बचाना चाहती है, इसीलिए यहां अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रयागराज के एसएसपी रहे सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने एक शिकायत के आधार पर सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े का खुलासा किया था। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें टॉपर भी शामिल है, जिसके बाद अब उन्हें अचानक से हटाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार विपक्ष के सवालों पर क्या जवाब देती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट।